सफेद जां नीले बाणे पा के कोई सिंह नहीं बन जांदा। सिक्खी मनुखां दे विचारां ते कर्मां दे विच झलकदी है। इस गल तो तुसीं मुकर नहीं सकते। एक घटना है शाम 84 कस्बे की, जो कि हुशियारपुर के इलाके दे विच है। गल कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, सन 2014 की है। शाम 84 दे कोल एक पिंड दे विच समेल सिंह दा परिवार रहिंदा है। समेल सिंह अमृतधारी सिंह है ते संत बाबा ज्वाला सिंह जी दी संगत करदा सी। फौज दे विच नौकरी करदा सी। समेल सिंह दे घर परमात्मा दी कृपा दे नाल तीन पुत्रां ने जन्म लिया अते बाद दे विच पता लग्या कि उन्हां दे विचों तीजा पुत्र जो कि विचकार वाला सी ओह दिमागी तौर दे उत्ते ठीक नहीं सी, जिस नूं आपां सिधरा भी कह दिंदे हां। सो जिंदगी चलती रही ते समेल सिंह ने तिन्हां लड़कियां दी बराबर परवरिश कीती। बाकी दोनों मुंडे तां पढ़ लिख गए, पर विचकार वाला लड़का दिमागी तौर दे उत्ते ठीक ना होण करके घर दे विच ही रहा। हैरानी तां इस गल दी सी कि ओह लड़का बोल तां नहीं सकदा सी, पर सुमेल सिंह ने उसनूं वाहिगुरू बोलना सिखा दिता सी ते सारी उम्र उसने वाहिगुरू वाहिगुरू ही किया। पिता दे नाल ही ओह लड़का अमृत वेले उठ जांदा सी ते गुरद्वारा साहब सेवा करदा। असल दे विच घर दे विच उसदे भरा उसदे नाल माड़ा वर्ताव करदे सी। उस कोलों घर दे छोटे मोटे काम भी करवाउंदे सी अते ओह अपने विचार समझ मुताबक ओह सब काम करिया करदा। वड्डे होण ते दूसरे लड़के गुरु घर दे कीर्तनिया बने। काफ़ी सुरीली आवाज़ों के मालिक देशों विदेशों के कीर्तन करन जाण लगे अते ओह विचकार वाला लड़का पिंड दे विच ही इधर उधर घूमता रहिंदा। पिता की मौत तो बाद उसनू सांभण वाला कोई भी नहीं सी ते सारा दिन ओह 10-20 किलोमीटर घूमता ते वाहिगुरू का जाप करता। अमृत वेले इशनान करके गुरद्वारा साहब की सफाई दे विच सेवा करता अते लागले पिंडां दे विच घूमना शुरू कर दिंदा अते घर वापस आ के घर का काम भी करता ते बदले दे विच उसनू रोटी भी बहुत मुश्किल दे नाल मिलदी सी। कीर्तन करके भरावां दा काम वधिया चलिया ते ओह पिंड छड के नाल पैंदे शहर कठार दे विच जाके कोठी पा लई। ओह दिमागी परेशान भरा कल्ला ही पिंड दे विच छुट गया। अग्गे तां दो समें दी रोटी मिल जांदी सी, हुण उस रोटी तों भी ओह मुहताज हो चुकिया सी, पर गवांढ ने उसनूं रोटी देणी शुरू कर दित्ती। गवांढ दे विच रहिंदे करम सिंह दी पत्नी ने उसदी रोटी दा जिम्मा चुकिया। घरों तां करम सिंह गरीब सी, पर उसदा दिल अमीर सी ते करम सिंह दे घर ना तां कोई औलाद सी ते ना ही कोई पैसा सी। कीर्तनीए दोनों भरा अपने परिवारों के खुश सी ते ओह तीजा भरा 17 किलोमीटर तुर के उन्हां भरावां दे कोल जांदा, उन्हां दा घर दा हर काम करदा। बोल तां नहीं सकदा सी, बाजार नूं सिर्फ एक पर्ची दे के तोर दिंदे सी ते ओह समान लै आउंदा सी। चाहे ओह गुरु घर दे कीर्तनीयन सन, पर गुरबाणी तों उन्हां कुछ नहीं सिख्या। होर तां होर धुप्पे छावें कम करवा के ओह एक वक्त की रोटी भी नहीं दिंदे सी। उधर करम सिंह की पत्नी तीन वक्त की रोटी हर तरह की सेवा उन्हां दे सिधरे भरा की करती सी। समा पिया तो दोनों कीर्तनी भरावान ने विआह कराया अते बाद दे विच उन्हां दोनों के घर एक एक लड़के ने जन्म लिया, पर थोड़े ही समय बाद पता लग्या कि वह दोवें लड़के उन्हां दे भरा वांग ही दिमागी तौर पर ठीक नहीं सी। उन्हां ने बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं होया। उधर करम सिंह के घर एक लड़की ने जन्म लिया अते करम सिंह नूं भी बहुत समय बाद नौकरी मिली, जो कि करम सिंह बैंक दे विच चपड़ासी लग गया। वाहिगुरू की इलाही बाणी संगतां नूं सुनाउण वाले अपने ही घर दे विच वाहिगुरू का संदेश जिंदा ना रख सके, पर उन्हां कीर्तनी भरावां ने अपनी गलती फिर ना मन्नी। वह अपने भरा दे कोलों होर काम लैंदे रहे। बाद दे विच इह वी गल फैली कि परिवार दे विच इस पागल होण करके उन्हां दी पीढ़ी दे विच इह पागलपुणी दा नुकसान होया है। समां बीतिया तां कीर्तनियां दे दोवें लड़के बीमार रहण लगे ते डॉक्टरां ने कहा कि इन्हां नूं घर लिजा के सेवा कर लवो। उस दिन वह दिमागी परेशान भरा वाहिगुरू का जाप उची उची करता ते अपने भरावां दे घर आया। बीमार पए लड़कियां दे सिर दे उत्ते हथ फेर के उत्थों चलिया गया, पर भरावां ने धक्के मार के अपने सिधरे भरा नूं अपने घरों बाहर कढ दिता। पिंड जाके उसने करम सिंह की लड़की के सिर के उत्ते हथ फेरिया अते कमरे के विच जाके लेट गया। शाम वेले जदों करम सिंह की पत्नी उसनूं रोटी देण वास्ते आई तां वह शरीर छड चुकिया सी। हुण तुसीं इस नूं चमत्कार कहो जां फिर वाहिगुरू की रजा? उन्हां कीर्तनी भरावां दे लड़के नौ वर ना हो गए ते दिमागी नुकसान भी बिल्कुल ठीक हो गया। उन्हां दोवें दिमागी परेशान बच्चों का दुख वह पागल कहे जाण वाला हर वक्त वाहिगुरू का सिमरन करन वाला अपने नाल ही लै गया ते शायद उन्हां कीर्तनियां नूं अज इह गल दा अहसास तक नहीं होया होवेगा। बाणी पढ़नी ही नहीं सगों सुन के समझ के जिंदगी विच वरतनी भी पैंदी है। वह कीर्तनियां भरा दोवें हजारां ही शब्द पढ़े होणगे, पर वह दिमागी परेशान बंदे ने सारी उम्र साफ दिल दे नाल सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू ही जपिया ते हुण उन्हां दोनों विचों कौन वड्डा होया तुसीं ही फैसला करो।